से निकालिए कहीं से, ज्ञान नहीं देना है। गया 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 नहीं तो बचा, गया नहीं तो बच गया। उठ जाना। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक हजारों में तो ये पूरी फौज बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही है, ये लोग ड्रॉप करके आ रहे हैं ऑटो तक बच्चों को, और दीदी को भी निकलना है तो ये लोग भी रेडी हैं अभी बच्चों को छोड़ने के जस्ट बाद ये लोग भी निकल जाएंगी। देखिए ये सारी फौज गई थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, मतलब ऑटो तक। देखिए ये मान जाइए, मान जाइए, नहीं मानेंगी, मान जाइए, कल जाइएगा कल, बहुत रुक गए, इसी बहाने आते लोग फिर बैग के बहाने जा चली जाएंगी, नहीं मानेंगी। तो फाइनली आज दीदी निकल रही हैं और आज ट्यूसडे का दिन है तो उनके हिसाब से वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक गई हैं, क्योंकि फ्राइडे को वो आई तो संडे को उनको जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बच्चों ने और सब ने कहा कि नहीं 1-2 दिन और रुक जाइए, तो फिर मंडे को उनका फास्ट था। तो बहुत कहने के बाद मम्मी के, बच्चों के, हम सबके कहने की वजह से मंडे तक रुक गई वो, और नहीं तो संडे को ही निकलने वाली थी, लेकिन किसी तरह रुकी और इतना ही उनके लिए ज़्यादा हो गया। पानी नहीं आएगी तो चलो तो ये लोग आज निकल गई और अब एकदम घर जो है एकदम सूना साना हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और ये लोग भी जा रहे हैं तो घर एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो सब लोग चले गए हैं और अब हम लोगों का होगा डेली रूटीन का काम। मन कर रहा है सो जाए क्योंकि सुबह 4 बजे का जगे हैं तो नींद भी आ रही है, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं है और मुझे ढेर सारा काम करना है तो ये सारा कुछ निपटा देती हूँ। देखिए बच्चे भी गए हैं तो अभी सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो 6:15 से 6:30 के बीच में बच्चे जाते हैं और दीदी 7:45 के लगभग में निकली हैं, तो अभी ये लोग चले गए और अब मेरा फिर से काम शुरू हो गया। तो सभी लोग चले गए हैं और हम लोग उदास बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि बच्चे लोग भी नहीं हैं और मैं खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और ये आए हैं महाशय, सब कुछ बिताने के बाद सरप्राइज दे रहे हैं हम लोगों को। ऐसी सरप्राइज कौन देता है? डांस वांस करना था है होते तो थोड़ा रंग जमा होता है, रंग जमाने के लिए काफी है। हाँ ये तो है, लेकिन सब लोग चले गए, सच में बहुत उदास लग रहा है। सपना की बहुत याद आ रही है और बोल के गई है लोग रक्षाबंधन में भी नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ खाने की तैयारी में लगी हूँ, चाय पी ली हम लोगों ने। आ गया लाल, यस लाल लाल, एग्जाम खत्म होने की खुशी देखिए इनकी। अब क्या करना है? अब गिफ्ट खोलेंगे। नहीं कर रहे? तो बाबू का आज एग्जाम खत्म हो गया है, तन्वी का अभी चल रहा है, आज इनका खत्म है और कल ब्रेक भी है। बेचारा कब से बर्थडे के दिन से कंट्रोल किया हुआ तो था, 2 दिन और कंट्रोल करेंगे। अभी जो गलत करके आया वो पढ़ाएंगे हम। अब तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे इनको। बेचारा एग्जाम के दिन से तन में इतना कंट्रोल किए हुए हैं, आज तो मुश्किल है, आज तो सोएगा भी नहीं ना जी। तो ये खुशी है तन में की, यही तो दिक्कत है, आज बुआ को रुकना चाहिए था। बंद करो, नहीं बंद करो, कर ले खाना वाना खा ले और थोड़ा सा सोएंगे उसके बाद। नहीं सोएंगे, नहीं क्यों नहीं सोएंगे? ये खोलो, कैसा हुआ पेपर? बहुत गंदा। पेपर कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ। सही बताओ, इंग्लिश थोड़ा बहुत हुआ, संस्कृत बहुत गंदा हुआ। संस्कृत जब नहीं हो रहा है, सोफे पे ही दोनों सो रहे हैं, गिर जाओगे लोग। और मैं टीवी बंद कर देती हूँ, इस प्यार को क्या, इस
प्यार को क्या? अभी एक लोग नीचे जाएंगे जी, अभी मारा पिटी शुरू होगी। इस प्यार को क्या नाम? तो अब ये लोग खा पी चुके हैं और सोने की तैयारी में है, कोचिंग भी जाना है, उठ जाना। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक हजारों में मेरी मेरे मम्मी और पापा है, सारे उम्र हमें संग में। बहन के साथ नहीं? नहीं। अच्छा, तो दोपहर को रेस्ट हुआ और इसके बाद अब फिर से हम लोग आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में, क्योंकि यहाँ ही अब अच्छा लगता है, सबका मन यहीं पे लग रहा है। तो शाम हुई और हम लोग यहाँ आ गए और तन्वी मैगी बना के ले आई हैं, इसके साथ ही ये लोग यहाँ पे जेंगा खेलेंगे। तो हम लोग यहाँ मैगी इंजॉय करेंगे, वो भी तन्वी के हाथों का। क्या हुआ कि हम ऊपर आए, कुछ गार्डनिंग वर्क करना था मुझे, कुछ घास वगैरह आज भी निकालनी थी, तो वो सारा काम करते करते मुझे एक घंटा हो गया। तन्मय का जेंगा हो रहा है, इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और कल ब्रेक भी है इनके लिए। और फिर हम लोग भी थोड़ा सा मैगी खाएंगे, तन्वी बनाई है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ देखिए साफ़ सफाई की है, इतना सारा घास और कुछ कटिंग की है पौधों की। तो अब बारिश होने लगी है तो बहुत मन लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो बस पानी ही देने में हम लोग परेशान थे। अब इस वाले एरिया, तो ये वाला एरिया रह गया है जिसकी सफाई मुझे करनी है और इन सब की कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि ये देख रहे हैं सारे में कीड़े लगे हुए हैं बैंगन में। छांट देती हूँ, फिर देखते हैं जो होगा सो होगा, क्योंकि अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है सब्जियों का, धीरे धीरे सीख रही हूँ। और ये मिर्ची भी कटिंग करूँगी। इधर से मैंने घास वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ किया, इधर रह गया देखिए अभी इस वाली क्यारी में, ये सब घास साफ़ करना है मुझे। और ये तो इतना सुबह में खिलता है ना कि देख के एकदम मन खुश हो जाता है। इधर की क्यारियाँ देखिए मैंने साफ़ कर दी हैं, यही सब आज किया है। कितनी गंदगी थी ना, ये एकदम अब खुला खुला हो गया। अब इसमें कुछ पौधे लगाऊंगी, यही वाला वो कंकड़ की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी, तो अब इसमें करूँगी। इसमें भी मैंने कुछ मिक्स कलर लगाए हैं अभी, क्योंकि ये सिर्फ पर्पल और पिंक था इसमें, तो अब कुछ येलो वाइट ऐसे मिक्स किया है। 10-15 दिन में ये भी खिलने लगेंगे और सितंबर तक तो ये चलेंगे ही चलेंगे। इसके बाद कुछ परमानेंट फ्लावर्स भी लगाने हैं मुझे यहाँ पे। ये देखिए मेरी तुलसी जी कितना बढ़िया ग्रोथ की हैं। और सब लोग देखिए यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ये व्यूज़ पता नहीं कैमरे में कैसा लगता है, बट रियली बहुत अच्छा लगता है। और इतनी खुशी लगती है ना ये गार्डन बना के, कि कभी भी ये नहीं एहसास होता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दिया है ना जी, बहुत खुशी होती है ना गार्डन बना के। तो हम सब के लिए आज तन्वी मैगी बना के छत पे लेके आई हैं और इस तरह से हमारा पूरा नाश्ता तैयार है। क्या मौसम हुआ है। और ये देखिए कितना बादल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही मैं कुछ क्यारियों की फिर सफाई करूँगी। और यहाँ पे ना एक मैं पिंक कलर का डार्क पिंक, मैं नर्सरी गई थी तो डार्क पिंक कलर का मुझे हिबिस्कस मिला, जो मुझे बहुत सुंदर लगा। उसमें फूल खिला हुआ था तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैं बर्थडे से एक दिन पहले जब हम लोग गए थे ना, जिस दिन खूब बारिश हुई थी, उसी दिन लेके आई थी। और गाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में। तो आज मुझे टाइम मिला है फाइनली, तो ये नीचे रखा हुआ था, आज मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ इस वाली क्यारी में। तो इस को लगा देती हूँ। मैंने कई तरह के जो है हिबिस्कस लगाए हुए हैं अपने गार्डन में, कभी आपको दिखाऊंगी सारा ही कलर, क्योंकि 3 या 4 कलर मैंने लगा दिया है अभी तक। तो इसको भी लगा देती हूँ। और कुछ काम और भी किया गार्डन में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का, क्योंकि अब धीरे धीरे इनको साफ़ करके कुछ नए पौधे, कुछ नई कटिंग्स लगाऊंगी, क्योंकि ये मौसम है और इस मानसून में जो है जो भी कटिंग लगाओ ना सब चल जाती है। तो इसलिए जुलाई अगस्त का महीना बड़ा अच्छा होता है पौधों के लिए, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग नए होते हैं ना, वो भी इस टाइम अगर चाहें तो गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉट लेकर के या घर में पड़े डिब्बों से भी बना करके, मैं तो यही सब करती रहती हूँ। तो तन्मय को गिफ्ट में जेंगा मिला था उनकी मनीषा दीदी से, तो यहाँ पे वो लेके आए थे छत पे कि पापा हम लोग खेलेंगे। तो बच्चे तो खेल ही रहे हैं साथ में मम्मी, और ये भी खेल रहे हैं और मम्मी भी खूब इंजॉय कर रही हैं। अब इनका गिरेगा 100%। ट्रे हटा दो वहां से, अब इनका गिरेगा। निकालिए, खींचिए ऊपर से, ऊपर से निकालिए। अरे हम निकाल ला नहीं,
हमने भी खेलना, तुम खेले हो ना। मेरी बारी, मेरी। दादी के पास हम थे। अच्छा, शहर में शिफ्ट होने के बाद जगह नहीं होती है इतनी कि हम गार्डन बना सकें और उसका आनंद ले सकें। जो मज़ा आता है ना यहाँ बैठने में, कि अब आप क्या ही बताएं आपसे, एकदम मेहनत सफल लगती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, पूरे दिन का जो थकान होता है ना उस, वो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं हम लोग। यही तो गेम है, यही तो देखना कौन पहले है। तुम है मम्मी देख रही हो, मैं नहीं खेल। रुक जा, इस वाले में हो जाए तो फिर हम लोग खेलेंगे। गिर जाएगा दादी, गिर जाएगा। दादी बीच में नहीं है, गिर जाएगा। दादी गिर जाएगा, बीच में नहीं है। स्मार्ट वर्ड लुक। हम निकाले, हम निकाले। हैप्पी डे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तन में बड़ो जमीने पे, वो उधर कर दो ना सारा प्लेट और ट्रे, तन्वी पीछे नीचे रख दो। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Ah, this friend interest le rahe hain. Dadi, jaise hum bichat. Hato to dekh lo, touch kar kar ke dekh lo. छोड़ो, निकालो दादी को पहले, फिर तुम निकालना। ऊपर से कहाँ से निकालिए, कहीं से? ज्ञान नहीं देना है। चुप रहो यार तुम। फ्री का ज्ञान नहीं मार। गया 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 नहीं तो बचा, गया नहीं तो बच गया। ये कुछ कीड़ा है। गजब, एक एक टांग पे टिका हुआ है। दिमाग लाके ना, एक टांग पे टिका हुआ, इधर बीच में एक ही है ना। निकाल के अंदर रहा, ये क्या निकाल बल लिया है उसी पे। गिरा, गया गया, बता दे रहा 100% गया। एक तो हवा इसी में धर धर गया गया गया, ये लास्ट बच गया। आराम से लगाना, अभी भी नाचना नहीं, आराम से बिना हिल रहा था, ठीक है, लेकिन हवा से गिरा, हवा से गिरा होगा, लेकिन हाँ, लेकिन हार गए हम। तो गेम अभी चल रहा है और नीचे मैं आ गई हूँ इन लोगों के लिए। आइसक्रीम की डिमांड हुई है कि बर्थडे के दिन आइसक्रीम जो आया था उसमें से बचा हुआ है, तो सबको आइसक्रीम खाना है। अभी मैं नीचे आई हूँ और मैं आइसक्रीम लेकर के छत पे चलती हूँ। तो जब छत पे जाना होता है ना तो खूब इंजॉय करते हैं लोग और खूब अच्छा अच्छा खाने को चाहिए सबको। तो बस आइसक्रीम लेकर के ऊपर पहुँचती हूँ। तो ऊपर नीचे करने में बहुत गर्मी है। दो मेरे को दो। फैन चल रहा है, देखिए फैन की भी व्यवस्था हो गई है पर्रा का। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, नए व्लॉग में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बाय।